हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के क्लास में हम सीखेंगे म्यूजिकल साउंड्स और हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स और ऑर्गन पाइप से साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम शुरू करते हैं। सपोज यहां पर एक बंदा यहां पे है जो साउंड को सुन रहा है, तो यहां पर एक लिसनर है और ये किसी साउंड को सुन रहा है और वो साउंड ऑब्वियसली ईयर से ट्रैवल होके आ रहा होगा तो ये उसको सुन पा रहा है। तो ये जो साउंड वेव ईयर से आ रही है, जो ईयर की साउंड वेव्स होती है, हमें पता है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव ईयर से आ रही है जो इसके कान में जा रही है, उस साउंड को सुन पा रहा है। अब ये साउंड सपोज म्यूजिकल हो तो इसके लिए साउंड वेव कैसी होनी चाहिए, तो इस साउंड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या कंडीशंस है जो हमें पूरी करनी है ताकि तब जाके ये म्यूजिकल साउंड वेव बने। अदरवाइज ये कोई भी नॉइज वेव हो सकती है या कुछ भी नॉइज वेव्स वगैरह। तो ये साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस करे ताकि वो इस म्यूजिकल साउंड को सुन पाए, तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक बंदा है जो जो सपोज आवाज कर रहा है यहाँ पे, जो साउंड मुंह से प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, तो ये साउंड आता कहां से भी, इसके लिए इसके थ्रोट में यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं और एक बॉडी होती है जो वाइब्रेट करती है ऐसे। ऐसे यहाँ से ये गले से एयर ऊपर लाता है ऐसे, ये एयर इन दो कार्टिलेज बोन्स के बीच में जो स्लिट होता है इसके थ्रू पास होते हैं और ये दो कार्टिलेज स्लिट जो है वाइब्रेट होते हैं और यही वाइब्रेशन जो है साउंड प्रोड्यूस करने के, हमने नाइन्थ क्लास में से पढ़ा है, नाइन्थ क्लास से ही पढ़ा है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जैसे जो ईयर आएगी वो इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड जो है ईयर के जरिए ईयर इनकी वाइब्रेशन ईयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाती है और ये उस लॉन्गिट्यूडनल वेव इसके कानों में पहुंचती है और ये इन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन के साउंड को सुनता है। लाइक ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं जो नीचे से एयर आती है उनकी जरिए और ये सुन पाता है। अब एक चीज, जितना मैं एयर ज्यादा लाऊंगा, जितना मैं एयर स्लो लाऊंगा, लाइक ऐसे मैंने एयर नीचे से लाया लेकिन वोकल कॉर्ड्स इतने ही वाइब्रेट हो गए कि उन्होंने जो साउंड वेव प्रोड्यूस की वो ऑडिबल नहीं थी, यानी कि ये वाइब्रेट ऐसे स्मॉल वाइब्रेशन में हो गई। इसको हम बोलते हैं इनमें वाइब्रेशन तो हो गई लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत कम था, तो जब वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड कम होगा तो ये ऑडिबल नहीं होती है, उतनी लाउड नहीं होती है तो हम नहीं सुन पाते। लेकिन जब मैं ज्यादा और बढ़ाऊंगा, मतलब ज्यादा तेजी से एयर लाऊंगा इसे, तो क्या होगा कि एयर अब ज्यादा फोर्स से आई, इन्होंने ज्यादा से इसको वाइब्रेशन की ऐसे वोकल कॉर्ड्स को, अब जितना ऊपर जाएंगे दैट मीन्स उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, वही फिर वो साउंड हवा में से ट्रैवल होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में और इसके कानों तक पहुंचता है। तो हमने देखा कि इस म्यूजिकल साउंड को बनाने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए और वो बॉडी ऑडिबल साउंड और म्यूजिकल साउंड, जिसको हम बोलिए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए उसमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक, ये जो बॉडी है यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स ये वाइब्रेट करेंगे ऐसे, क्योंकि वहां से एयर आ रही है यहाँ की तरफ बोर्ड से बाहर की तरफ, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो अगर ये म्यूजिकल साउंड इसको बनना है, ऑडिबल रेंज में रहना है और म्यूजिकल टाइप साउंड बनना है तो इस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट तो करना ही है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस वाइब्रेशन में दो क्वालिटीज होनी चाहिए तब जाके म्यूजिकल साउंड बनेगा। एक, इसका हाई एम्पलीट्यूड होना चाहिए, हाई एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा एम्पलीट्यूड से ज्यादा अच्छा साउंड, ज्यादा लाउड साउंड बनेगा। और दूसरी क्वालिटी हाई एम्पलीट्यूड के साथ साथ ये हाई एम्पलीट्यूड सस्टेन हो रहना चाहिए, सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड। एक तो एम्पलीट्यूड ज्यादा बनना चाहिए और दूसरा वो ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा देर तक रहना चाहिए, यानी कि इसने पहले ऐसे हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट किया फिर जल्दी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया और जीरो,
तो वो म्यूजिकल नहीं बन पाएगा। तो म्यूजिकल होने के लिए तो हायर एम्पलीट्यूड, और दूसरा ये ज्यादा टाइम तक ये हाई एम्पलीट्यूड पर रहना चाहिए, तब जाके ये जो है साउंड बनेगा म्यूजिकल। तो दो क्वालिटीज, एक हाई एम्पलीट्यूड और दूसरा सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड, तो ये इसमें होनी चाहिए, तब जाके हम ये म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो फॉर एग्जाम्पल वोकलिस्ट्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं जिनका वोकल अच्छा होता है, तो वो इन्हीं की जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कैसे इसको इस तरह वाइब्रेट कर पाए कि हाई एम्पलीट्यूड बनेगा और वो सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड रहेगा। तो उसी की उनकी कोचिंग दी जाती है जब वो म्यूजिक, जब वो सिंगिंग सीखते हैं, जब वो वोकल्स की ट्रेनिंग लेते हैं, तो बेसिकली इन दो चीज़ों की जो है प्रैक्टिस लेते हैं और बाकी चीज़ें भी। तो हमने अभी बेसिक सुना कि जो म्यूजिकल साउंड बनना है, एयर में से आना और हमारे कानों तक पहुंचना है, उस वो बनने के लिए एक बॉडी चाहिए, और वो बॉडी जो है इस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ें, दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। एक तो हाई एम्पलीट्यूड पर हमें उसको वाइब्रेट कराना है, और दूसरा ऐसे वाइब्रेट कराना है एम्पलीट्यूड पर कि वो हाई एम्पलीट्यूड ज़्यादा टाइम के लिए रहे। तो ये दो क्वालिटीज़ हमें याद रखनी है। अब जाते हैं हम स्ट्रेंथ पे। अब जब हम देखेंगे स्ट्रिंग पे, अब दोनों की थियरी ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रिंग्स और ऑर्गन पाइप्स की, तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स, अब जब मैं एक स्ट्रिंग लाऊंगा, ये एक स्ट्रिंग है जो टाइट है, यहाँ से फिक्स्ड है और इसका ये एंड भी फिक्स्ड है। अब मैं इसको प्लग करूंगा, इसे ऊपर खींचूंगा। जब इसको ऊपर खींचूंगा तो यहाँ पे वेव का जो है, वेव की पल्स बनेगी ऐसे, तो ऊपर खींचूंगा। जब इसको छोड़ूंगा तो यहाँ पर ये फिर आगे जाएगी ऐसे, करते हैं रस्सी को वहां से, एक कोई पकड़ेगा, मैं ऐसे पकड़ कर मैं जर्क दूंगा ऐसे, तो प्लग की जगह मैंने इसको जर्क किया, तो फिर वो पल्स आगे बढ़ती है। वो वेव जो एक एंड पर बनी, वेव जो एक एंड पर मैंने ऑसिलेशन की और उससे जो वेव बनी वो ट्रैवल हो गई एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इन वेव्स को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। जब एक वेव एक साइड से दूसरे साइड ट्रैवल करती है, इन वेव्स को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव्स। तो ये वेव ट्रैवल करेगी वन एंड से दूसरे एंड, ये दोनों चीजें याद रखनी है क्योंकि हमें इन पर आना है। अब ये ट्रैवलिंग वेव आ गई है। अब दूसरी एक चीज है, जब ये ट्रैवलिंग वेव होती है, मैंने सपोज इस स्ट्रिंग को टाइट स्ट्रिंग ऐसे ऊपर खींचा फिर छोड़ा, वहां पर वेव बनी, वो ट्रैवल हो गई आगे चली, वहां पर म्यूजिकल साउंड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें है ही नहीं। इसमें जो जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा, वो बहुत कम होगा, उतना नहीं है कि जितना जो म्यूजिकल साउंड के लिए होना चाहिए, और वो जल्दी फेड होगा क्योंकि जो ये वेव बनेगी वो ट्रैवल करती है आगे आगे। ट्रैवल करने के बाद वो जब आगे आगे जितनी स्ट्रिंग लंबी होगी उतनी आगे जाएगी। इसकी इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है कि म्यूजिकल साउंड लाउडली अच्छे से बनेगा, सस्टेन रहेगा। तो हम क्या करते हैं, तो म्यूजिकल साउंड बनाने के लिए हमें वेव स्ट्रिंग पर ऐसे प्रोड्यूस करनी है कि उसका एम्पलीट्यूड हाई हो और वो ज़्यादा टाइम के लिए रहे। अब वो कैसे होगा, तो ऐसे होता है कि जब हम ट्रैवलिंग वेव को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से भी फिक्स्ड है। अब मैंने इसको प्लग किया, जब ये अब वेव बनाएगा, वेव आगे चलेगी फिक्स्ड एंड पर, अब कॉन्सेप्ट आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, उसको भी हमने नाइन्थ में भी पढ़ा है और इलेवंथ में भी पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जब हमें पता है कि जब स्ट्रिंग एक एंड से दूसरे एंड से बंद फिक्स्ड होती है, वेव जब जाती है ऐसे, जब एक पल्स की बात करूंगा मैं, ये एक पल्स यहाँ था फिर यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचा, ये एक पल्स आगे जा रहा है आगे जा रहा है। जब फिक्स्ड एंड से टकराएगा तो नीचे से वो पल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, नीचे से वापस आता है। तो फिक्स्ड एंड पर जो वेव होती है ये रिफ्लेक्ट ऐसे होती है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये अब नीचे से आएगा ऐसे, एक पल्स की बात जब हम करेंगे। लेकिन जब स्ट्रिंग दूसरे एंड पर ऐसी होगी, फिक्स नहीं होगी बल्कि रिंग्स के साथ ऐसे, रिंग के जरिए इस सपोर्ट में इसके साथ बंद होगी, तब जब एक पल्स की बात हम करेंगे, जब एक पल्स आगे बढ़ेगा यहां से, वो फिर से रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में ऊपर से ही वापस आता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग्स में। जब फिक्स्ड हो तो वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जब फ्री हो, फिक्स्ड नहीं हो, तो ये उसी डायरेक्शन में वापस आती है रिफ्लेक्ट होके। तो जब मैंने फिक्स्ड रखा तो ये वेव जो है, तो ये दूसरे साइड से ऐसे, ये पल्स दूसरे साइड से वापस आएगा ऐसे 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 ऐसे। अब क्या होगा, अब दो वेव्स बनी, एक वेव ऊपर से आ रही है आगे की तरफ जा रही है, ये एक वेव है वेव वन, और दूसरी वेव बनेगी जब रिफ्लेक्शन होगी तो पीछे से ऐसे आएगी अपोजिट डायरेक्शन में, होगी वेव टू। अब वो कंटिन्यूअसली बन रही है, मैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा हूँ, तो वेव कंटिन्यूअसली आगे जा रही है और कंटिन्यूअसली अब नीचे से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है।
अब दो वेव्स आई, एक आगे की तरफ जा रही है, एक वापस आ रही है। अब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जब ये दो वेव्स एक दूसरे का के साथ सुपर इम्पोज हो गए, अब सुपर इम्पोजिशन में क्या हो सकता है, अब पॉसिबिलिटी सुपर इम्पोजिशन में, अगर अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट पे पड़ा ऐसे एग्जैक्टली, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड एड अप होता है और दोनों को, दोनों मिलने से एक ही वेव बनाते हैं और उसका, उस वेव का एम्पलीट्यूड इन दो के बराबर होता है। सपोज सपोज 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ये तो ये 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड होगा। तो जब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़ेगा, इसका टफ इसके टफ पे पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर जो है दो वेव एक ही वेव बनाएंगे जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहीं जाना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि म्यूजिकल साउंड मैंने इसका कैसे बनता है। तो अगर ये इंटरफेरेंस हो गई तो हम हाई एम्पलीट्यूड कर सकते हैं, इतना हाई कि म्यूजिकल साउंड बनेगा और वो सस्टेन भी रहेगा इससे। अब क्या होता है, अब ये जाएगा वापस आएगी, दोनों सुपर इम्पोज होंगे, एक ही वेव बन जाएगी। अब वो वेव कब बनेगी, वो हमेशा नहीं बनेगी। वो वेव कब बनेगी, जब मैंने इसे प्लग किया, वेव आगे गई, वापस आई, सुपर इम्पोजिशन हो गया, एक ही वेव बनी, उस वेव का एम्पलीट्यूड हाई हुआ, लेकिन ये हमेशा हाई नहीं होगा, कभी ये भी हो सकता है। सपोज क्रस्ट क्रस्ट पर नहीं पड़ा बल्कि क्रस्ट ट्रफ पर पड़ा, जाने वाले का क्रस्ट आने वाले के ट्रफ पे पड़ा, तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टिंग वेव, या तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टिंग वेव गायब हो जाएगी, तो स्ट्रिंग रुक जाएगी, जिसका मतलब ये है। अदरवाइज अगर इसका ज्यादा हो इसका कम हुआ, तो इसका ज्यादा माइनस इसका, वहां पे जो थोड़ा बहुत बचेगा उतने एम्पलीट्यूड से स्ट्रिंग ऐसे ये वाइब्रेट करेगी और थोड़ी टाइम के बाद ये रुक जाएगी, तो हमारा म्यूजिकल साउंड सस्टेन नहीं रह पाएगा, तो ये हाई एम्पलीट्यूड नहीं रह पाएगा क्योंकि फेड हो गई ये वेव ही। तो हम कह सकते हैं कि कुछ, हम कह सकते हैं कि हम इस स्ट्रिंग को कुछ फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ताकि ये आगे जाने वाली वेव और पीछे आने वाली वेव सुपर इम्पोज होने के बाद एम्पलीट्यूड हाई बनाए और वो हाई एम्पलीट्यूड ज्यादा टाइम के लिए रहे। वो कुछ फ्रीक्वेंसीज पर हमें इस, ये एक ही नहीं बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, मैं बताऊंगा क्या है, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है जिस पर हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएंगे, तो आगे जाने वाली वेव पीछे आने वाली वेव सुपर इम्पोजिशन के बाद एक हाई एम्पलीट्यूड वेव बनाएगी जो ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहेगी और म्यूजिकल साउंड बनेगा। ये हम कर पाएंगे अगर हम इस स्ट्रिंग को कुछ फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट कराएंगे। अगर हमें उन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे इसको वाइब्रेट नहीं कर पाए, किसी और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, या वेव यहाँ से आगे गई पीछे वापस आई, तो इसका क्रस्ट ट्रफ पे मिला, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने के बजाय कम ही होगा या गायब ही होगा, तो म्यूजिकल साउंड नहीं बनेगा। तो हम कुल मिलाकर पहुंचे कि जो हमें म्यूजिकल साउंड बनाना है उसके लिए ये दो कंडीशंस हैं, और ये दो कंडीशंस एक बॉडी को हमें वाइब्रेट ऐसे कराना है कि वो हाई एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट हो और वाइब्रेशन सस्टेन रहे। तो बॉडी, जो एग्जांपल में मैंने वोकल कॉर्ड्स बोला, यहाँ पर हमें वोकल कॉर्ड्स की जगह मैंने वोकल कॉर्ड्स को रिप्लेस किया स्ट्रिंग से। अब यही दो कंडीशन मुझे स्ट्रिंग पर लानी है, हाई एम्पलीट्यूड सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड। तो वो कैसे, अब उसके लिए मैंने स्ट्रिंग के दो एंड को फिक्स किया, आगे जाने वाली वेव पीछे आने वाली वेव को मैंने इंटरफेयर करवाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवानी है, तब जाके एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, वो सस्टेन रहेगा, उससे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये सस्टेन रहता है जो मैं भी बताऊंगा। तो वो बढ़ा तो मुझे एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या है, ये एंड भी फिक्स्ड है, ये एंड भी फिक्स्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, ये भी एंड बंद है, ये भी फिक्स्ड है, वेव जब दोनों आगे जाएगी पीछे आएगी, वे सुपरइम्पोज हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, जब सुपरइम्पोज हो जाएगी तो वेव एक ही जगह ट्रैवल करने की बजाय वो एक ही जगह स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी। इससे पहले स्ट्रिंग क्या करती थी, इससे पहले स्ट्रिंग ऐसे करती थी, सपोज ऐसे वेव स्ट्रिंग पर ऐसे जा रही थी फिर वापस आ रही थी ऐसे। अब जब सुपरइम्पोज ऐसे हो जाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, तो वो उसके लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है, तब जाके वो होगा, वो मैं समझाऊंगा। तो ये बोलेंगे ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि चल रही है एक एंड से दूसरे एंड तक। अब जब दो ट्रैवलिंग वेव सुपर इम्पोज होके हायर एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस किया, तो ये क्या, जो इनकी सुपर इम्पोज वेव दोनों वेव से जो एक ही वेव बनती है, तो वो एक ही जगह से अप डाउन करती है, तो एक ही जगह से अप डाउन करेगी ऐसे स्ट्रिंग, ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पूरी स्ट्रिंग ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे करेगी, बजाय वेव ट्रैवल कर रही है वो अब एक ही जगह वेव बन रही है ऐसे ऊपर नीचे करके,
ये तो एक एग्जांपल है ऊपर नीचे, कभी कभार ऐसे दो के फॉर्म में भी होगी, तीन के फॉर्म में भी होगी, चार, लेकिन एक ही जगह ऐसे, अगर तीन होगी तो ऐसे तीन करेंगे, लेकिन एक ही जगह, ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये सुपर इम्पोजिशन जब कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस हो जाएगा, तब यहाँ की वेव ट्रैवल कर रही है, वहां की वेव वापस आ रही है, फाइनली सुपर इम्पोज हो गई और वेव एक ही जगह, या तो फुल स्ट्रिंग ऊपर नीचे, या दो हिस्सों में ऊपर नीचे, या तीन हिस्सों में ऊपर नीचे करेगी। इस वेव को हम बोलते हैं, क्योंकि आप ये ट्रैवल कर रहे हैं एक ही जगह ऊपर नीचे, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। और जो यहाँ पर पैटर्न बना, ये चाहे ये दो वाला हो या एक ही वाला हो या तीन वाला हो, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न, स्टैंडिंग वेव पैटर्न, या इसका दूसरा नाम है ऑसिलेशन मोड, ऑसिलेशन मोड। तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव बनती है। तो स्टैंडिंग वेव बनने की वजह से, एक तो कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस की वजह से एम्पलीट्यूड हाई तो हो गया ही, और स्टैंडिंग वेव बनने की वजह से वो सस्टेन रहेगा ज्यादा टाइम के लिए, ऐसे करते रहेगा। तो हाई एम्पलीट्यूड, सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड के लिए हमें वाइब्रेटिंग बॉडी में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करने हैं, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाना है, उससे हमारे दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे, तो उससे हमारा म्यूजिकल साउंड बन जाएगा। अब ये सारा हमने देखा, ये भी हमने देखा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इनको मेंटेन रखने के लिए स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाना है बस। स्टैंडिंग वेव पैटर्न कैसे बनेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज पर इसको यहाँ पे वाइब्रेट कराना है, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज पर, वो खास है कुछ, तो उन फ्रीक्वेंसी पर उन्हें वाइब्रेट करवाया, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा। स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना, हाई एम्पलीट्यूड होगा, सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड होगा, म्यूजिकल साउंड बनेगा। अब कुल मिलाकर ये फ्रीक्वेंसीज क्या है, वहां तक हम पहुंचे। अब ये फ्रीक्वेंसीज क्या है स्ट्रिंग की, इनको हम बोलते हैं, ये कुछ खास फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनको हम बोलते हैं रेजोनेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रिंग, इनको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रिंग। अब इनका रिश्ता किसके साथ है, कैसे हम ढूंढेंगे एक स्ट्रिंग की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, एक सेट होता है फ्रीक्वेंसी का, ये होगा एफ इज इक्वल टू एक सेट, एक फ्रीक्वेंसी कमा दूसरी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी होंगी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, सो ऑन, ये एन तक जाएंगी। अब ये सेट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज एक स्ट्रिंग के लिए कैसे ढूंढेंगे हम, ताकि उस पर इसको वाइब्रेट करवाए, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनेगा या ऑसिलेशन मोड बनेगा, तो वो बनने से हमारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी जो म्यूजिकल साउंड के लिए जरूरत है। तो वो अब क्या है, इसके लिए हमें याद रखना, उसके अलग क्लास में कभी समझाऊंगा वो फ्रीक्वेंसी कहां से हम लाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का जो रिश्ता है वो है स्ट्रिंग की लेंथ के साथ, तो आ गया रिश्ता। अब ये फ्रीक्वेंसी कहां से लाएंगे, इसका रिश्ता है स्ट्रिंग की लेंथ के साथ, ये स्ट्रिंग कितनी लंबी है, डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। और इसका रिश्ता है जो ये वेव चल रही है कितनी तेज चलेगी, वेलोसिटी। अब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का रिश्ता जो है वो दो चीजों के साथ है, एक स्ट्रिंग की लेंथ पे, और दूसरा स्ट्रिंग पर जो वेव हमने बनाई है कितनी तेज चलेगी स्ट्रिंग पे, क्योंकि जो एक स्ट्रिंग पर जो वेव बनेगी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट ऑफ टाउ बाय सॉरी वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड बाय टाउ, समथिंग लाइक दैट, मुझे पूरी याद नहीं आ रही इक्वेशन। तो वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक तो वो इसकी स्पीड डिपेंड करेगी कि ये कितनी टाइट है टेंशन पे, एक चीज, और दूसरा इसका वेट कितना है पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग का वेट कितना, इन अदर वर्ड स्ट्रिंग कितनी भारी है उस पर भी डिपेंड करता है स्पीड क्या होगी, और दूसरा ये कितनी टाइट है उस पर भी, जितनी ज्यादा टाइट होगी उतनी वेलोसिटी इस वेव की इस स्ट्रिंग पर तेज होगी, और जितनी ये भारी होगी उतनी वेलोसिटी कम होगी, ये कॉमन सेंस है। तो वेलोसिटी उस पर डिपेंड करती है, तो हर एक स्ट्रिंग पर जो वेव बनेगी उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है स्ट्रिंग की कितनी टाइट है और कितनी भारी है। तो अलग अगर दो स्ट्रिंग्स है, दोनों की टाइटनेस सेम है, दोनों का वेट सेम है, दोनों का मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो उन पर जो वेव बनेगी वो सेम वेलोसिटी की होगी। लेकिन इन जनरल अगर इन दोनों में से वेरी करेगी कोई चीज दो स्ट्रिंग्स के दरमियान, तब वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अब इस वेलोसिटी पर और इसके लेंथ पर डिपेंड करती है हमारे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सेट, ये बराबर होता है एन टाइम्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2L, ये हमारा जो है सेट देगा। अब कैसे सेट देगा, ये तो एक ही वैल्यू होगा नहीं, एन यहाँ पर इंटीजर है, एल लेंथ है स्ट्रिंग की, वी वेलोसिटी है इस वेव की। अब एन कहां से, वी कहां से लाएंगे, वी के लिए फॉर्मूला है जो पूरा याद नहीं है, समथिंग लाइक अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय
मास पर यूनिट लेंथ सोलह डाई लिखेंगे, वैल्यू डाई इज मास पर यूनिट लेंथ या कुछ भी सिंबल देंगे। तो यहाँ से हम लाएंगे टेंशन की वो निकाल सकते हैं, मास पर लेंगे क्या वो निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं थियोरी से। ये तो आ गया लेंगे क्या है स्ट्रिंग की, वो तो हम मेजर इजिली कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एन जो ये इंटीजर है, एन इज इंटीजर 1, 2, 3 सो ऑन। अब एन का वैल्यू यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू डालेंगे, एल का वैल्यू डालेंगे, ये नंबर सॉल्व करेंगे 2 के साथ, फिर उसको 1 टाइम उसका लिखेंगे यहाँ पे, 2 टाइम्स उसका लिखेंगे यहाँ पे, 3 टाइम्स उसका लिखेंगे यहाँ पे, सो ऑन। इसी तरह हम ये फ्रीक्वेंसीज जिनको हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बोला वो हम निकालते जाएंगे, हमें सेट मिलेगा, उसी सेट पर एक फ्रीक्वेंसी उठाएंगे, इसको उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कराएंगे, तो इस पर जो वेव बनेगी वो वेव जब वापस आएगी, ये दो वेव सुपर इम्पोज होने के बाद हमेशा स्टैंडिंग वेव बनाएगी। अब अगर हमने पहली उठाई पहली फ्रीक्वेंसी, तो ये ए पूरी स्ट्रिंग ही एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जाएगी, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड लाइक दैट, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अगर हमने दूसरी वाली उठाई तो ये स्टैंडिंग वेव बनाएगा, और वो स्टैंडिंग वेव होगी दो दो के फॉर्म में, यानी कि एक पार्ट ऊपर जाएगा एक पार्ट नीचे, स्टैंडिंग वेव होगी, एक ऊपर एक नीचे स्टैंडिंग वेव। तीसरी ट्रैक को तीन हिस्से होंगे इसके, तो ये कहलाता है सेट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, और इस पर जब हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराएंगे हमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिलेगा, एक वाला दूसरा वाला तीसरा, वो डिपेंड करेगा पहले लेंगे दूसरे लेंगे तीसरे लेंगे सेट्स हैं सेट में से, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बनी, हमारी दो कंडीशंस फुलफिल हो गई, हाई एम्पलीट्यूड सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड म्यूजिकल साउंड बनेगा। और ये म्यूजिकल साउंड इंपॉर्टेंट है एक सपोज अगर स्ट्रिंग की बात करें तो गिटारिस्ट के लिए जो गिटार बजाता है, तो ये बेसिकली उसी की प्रेपरेशन करते हैं जब वो गिटार चलाना सीखते हैं कि ये कैसे इस फ्रीक्वेंसी पर कैसे इसको वाइब्रेट करें हाथ से, या इस फ्रीक्वेंसी पर इसी की जो है ट्रेनिंग इसके प्रैक्टिस होती है। अब यही कॉन्सेप्ट है जब हम लेंगे ऑर्गन पाइप्स पे, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सारी चीजें, हमें मकसद हमारा वही है स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करना, क्योंकि ये हाई होंगे उससे, तो मकसद है स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करना। अब ऑर्गन पाइप्स में जब हम आएंगे, अब ऑर्गन पाइप क्या होती है बेसिकली, कुछ नहीं एक पाइप, जैसे स्ट्रिंग वैसे पाइप, जैसे वोकल कॉर्ड्स ने वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग ने वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस किया। अब एक पाइप है, अब पाइप वाइब्रेट नहीं करेगी, पाइप के अंदर का ईयर वो वाइब्रेट करा सकते हैं हम, तो पाइप के अंदर का ईयर जो है अंदर मानो अंदर ईयर से बनी है पाइप, वो उसको हम बोलते हैं ईयर कॉलम। अब पाइप के अंदर जो ईयर होगा उसको हम ईयर कॉलम बोलते हैं, तो वो ईयर कॉलम हम वाइब्रेट करा सकते हैं, वहां पर हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, तो वहां पर हमें हाई एम्पलीट्यूड सस्टेनेबल एम्पलीट्यूड मिलेगा, और वहां पर हम जो है वो हाई एम्पलीट्यूड वो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाने के लिए हमारे पास जो है सूची है, ये फ्रीक्वेंसी सूची इनसे बनेगी, हमारा म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होगा पाइप में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप। जिसकी एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग पर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, गिटार है, वायलिन है, पियानो है, ये सारे स्ट्रिंग के म्यूजिकल साउंड पर वर्क करते हैं। ऑर्गन पाइप फ्लूट है, या बाकी जो पाइप बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम हवा डालते हैं, हवा फूकते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो ऑर्गन पाइप पर काम करते हैं, यानी कि ऑर्गन पाइप के सोर्स से वहाँ पे जो है साउंड प्रोड्यूस होता है म्यूजिकल साउंड। अब यहाँ पर पाइप वाइब्रेट नहीं होगी, यहाँ पाइप के अंदर की ईयर कॉलम वाइब्रेट करेगा, ईयर कॉलम। अब क्या है, अब यहाँ पर हमें किसी ना किसी तरह ईयर को यहाँ पर सपोज किसी पॉइंट पर अंदर ईयर को हमने जो है वाइब्रेट कराना है, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को हाथ से प्लग किया और वाइब्रेट कराया और फिर वेव ने ट्रैवल किया, इसी तरह हमें अंदर ईयर कॉलम का एक साइड पे किसी पॉइंट पर हमें ईयर कॉलम को वाइब्रेट कराना है, फिर चाहे हम फूक जैसे फ्लूट में से फ्लूट के अंदर फूक मारते हैं, तो वो वहाँ पर जो है वहाँ पर पता है वो थोड़ा कम एरिया का होता है, फिर अंदर यहाँ पे वो काटा हुआ होता है, तो इस तरह बनाया होता है कि जब हम फूक डालें तो ईयर यहाँ पर वाइब्रेट करने लगे, तो बेसिकली उसी के लिए होता है, क्योंकि जब यहाँ पर ईयर वाइब्रेट ऐसे करेगी तो सारी ईयर, अब चूंकि ये ऐसे स्ट्रिंग वाइब्रेट करते ट्रांसवर्स वेव, ये ईयर कॉलम तो ऐसे वाइब्रेट करेगा अंदर बार उसको बोलते लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब हम यहाँ पर फूक डालेंगे सपोज यहाँ पर ईयर वाइब्रेट करेगी ऐसे 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 आगे जाएगी, ये कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस आगे जाएंगी, यहाँ पर जाके अब एंड पर पहुंचेगी तो ये टकरा के वापस आएंगी। अब वही रूल जैसे मैंने स्ट्रिंग्स में बताया, अगर यहाँ पर एंड डेड एंड होगा, यानी कि पाइप का अगर ये एंड बंद होगा खुला नहीं होगा, तो ये स्ट्रिंग के फिक्स्ड एंड की तरह होगा, मीनिंग जो यहाँ पर हवा
ऊपर नीचे करेंगे ऐसे, यहाँ से टकराने की, जो एक ही अगर मैं एक ही पल्स की बात करूँगा, जो एक पल्स ऊपर से आगे गए जा रहा है, यहाँ से वो फिर टकराने रिफ्लेक्ट होने के बाद वो नीचे से आगे आएगा ऐसे। तो यहाँ पर वेव अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगी, अगर स्ट्रिंग की तरह जो स्ट्रिंग में फिक्स एंड होता है, अगर उसकी तरह यहाँ पे डेड एंड होगा। तो जो काम स्ट्रिंग का फिक्स एंड करता है पाइप में, वो काम पाइप का क्लोज एंड करता है। और स्ट्रिंग में दूसरी केस मैंने बोली, अगर हम सपोर्ट में रिंग रखेंगे ऐसे, तो जो पल्स ऊपर से आएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर से ही वापस जाएगा, यहाँ पर ये काम करता है अगर पाइप ओपन होगी, बंद नहीं होगी साइड से। तो यहाँ पर भी जो पल्स ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे ओपन एंड पर भी रिफ्लेक्शन होती है, तो ये ओपन एंड पर टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आएगा एयर कॉलम में। तो सेम टू सेम, तो पाइप का क्लोज्ड एंड, स्ट्रिंग का फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन उसी तरह रिवर्स होंगे, पाइप का ओपन एंड, स्ट्रिंग का जो ये रिंग मैंने सपोर्ट पे रखा, तो रिफ्लेक्शन में रिवर्स वेव नहीं होती है, इसी तरह ओपन एंड में भी वेव रिवर्स नहीं होगी। दोनों केसेस में रिफ्लेक्शन तो होगी और सुपर इम्पोजिशन तो होगा, सुपर इम्पोजिशन होगा और स्टैंडिंग वेव बनेगी, अगर हम वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर भी रखेंगे जो हमने स्ट्रिंग में देखी। यहाँ पर मैं बताऊंगा वो क्या है, वो भी यहाँ पर सेम ही है। तो एनालॉजी बन रही है, यहाँ पर भी पाइप कॉलम की कुछ, एयर कॉलम की कुछ लेंथ होगी जो पाइप की लेंथ के बराबर ले जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ, यहाँ पर पाइप की लेंथ, एयर कॉलम की लेंथ, यहाँ पर फिक्स्ड एंड, यहाँ पर क्लोज्ड एंड, यहाँ पर रिंग वाला एंड जो मूवेबल होगा फ्री एंड, यहाँ पर ओपन एंड, सेम टू सेम। अब क्या होगा, अब यहाँ पर भी वेव ऊपर ऐसी चली ट्रैवल करेगी आगे, वो ट्रैवलिंग वेव कहलाई जाएगी, स्टैंडिंग नहीं बनी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी वापस ऐसे, सपोज ऐसे, तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो सुपर इम्पोज हो गए, अगर हमने इसको यहाँ पर फूक मारी थी और हवा को वाइब्रेट किया था इन फ्रीक्वेंसीज पे, खास फ्रीक्वेंसीज पे मैंने फूक मारी थी, उस ऐसे फूक मारी थी कि उस खास फ्रीक्वेंसी पर एयर वाइब्रेट हो गई, तो वो आगे जाएगी फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगे, वहां पर स्टैंडिंग वेव एयर में ही बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, वो एम्पलीट्यूड जो कि स्टैंडिंग वेव बन रही है वो सस्टेनेबल रहेगा वो एम्पलीट्यूड, और नतीजा निकलेगा कि हमारी एक हमारा जो है म्यूजिकल साउंड बनेगा एयर कॉलम में, जो फ्लूट में से आता है या ऑर्गन पाइप ऑर्गन में से आता है, जिनको हम फ्लूट्स पाइप ऑर्गन, इनको हम शॉर्ट में ऑर्गन पाइप्स बोलते हैं, इसमें खाली पाइप नहीं आते, फ्लूट पाइप की तरह जो भी जो फूक की तरह बजते हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल पहले टाइम पे क्या किया जाता पुराने जमाने में, कि जब आग जलाई जाती थी तो फिर एक पाइप का टुकड़ा लिया जाता था, फिर उससे फूक, आयरन की फूक मारी जाती थी, तो ताकि मुंह अंदर ना ले जाना पड़े आग के, दूर से इसको फूक मारी जाती उसको चमकाने के लिए। तो वो पाइप में से कभी क्या होता था कि अगर हम प्रॉपरली फूक मारेंगे तो वो वहां से साउंड निकलता था, और इवन निकलता है अगर हम यूज करेंगे बीपी, वो बेसिकली इसी ऑर्गन पाइप के प्रिंसिपल पे काम करता है, वो साउंड इसी की वजह से निकलता है। लकीली हमने वो फ्रीक्वेंसी टच की, वो फ्रीक्वेंसी पे फूक मारी, वो फूक मारी कि एयर कॉलम जो इसमें है वो उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट हो गया जिस पर स्टैंडिंग वेव अंदर बनी। हर टाइम पे नहीं बनेगा क्योंकि कुछ खास फ्रीक्वेंसीज होती है। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसी इक्वेशन है, वेलोसिटी होगी, ये एयर कॉलम किस वेलोसिटी से आगे जाएगा वेव के फॉर्म, इसकी लेंथ क्या है, हमारी एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिनको हम बोलेंगे अब पाइप की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर पाइप की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, उन फ्रीक्वेंसीज में से किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हम इस एयर को यहाँ पर वाइब्रेट कराएंगे फोक से या किसी और तरीके से, तो हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी, हमें म्यूजिकल साउंड मिलेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि म्यूजिकल साउंड का सोर्स क्या है, ये कैसे बनते हैं स्ट्रिंग से, ये कैसे बनते हैं ऑर्गन पाइप से। अब हम एक और अगले क्लास में देखेंगे कि दो केसेस बनते हैं ऑर्गन पाइप के केस में, एक जब दोनों एंड्स ओपन होंगे, बोथ एंड्स आर ओपन, जब दोनों एंड्स ओपन होंगे तब, और जब एक ही एंड ओपन होगा, वन एंड इज ओपन, तब ये ऑर्गन पाइप जो है वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनको दो केस को अलग अलग देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।